ଯୁବବର୍ଗର ଦେଶ ଭାବରେ ଆଜି ଭାରତ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବାର ରଖିଛି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏ ଦିଗରେ ନିଜକୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କରି ରଖିବାର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସ୍କିଲିଂ, ରିସ୍କିଲିଂ ଏବଂ ଅପ୍ସ୍କିଲିଂ। ଆପଣ ଆଜି ଯୋ ଶିଖା ହେ ଓ ଆପକେ ଭବିଷ୍ୟ କା ଆଧାର ଜରୁର ବନେଗା, ଲେକିନ ଆପକୋ ଭବିଷ୍ୟ କେ ହିସାବ ସେ ଆପନେ କୌଶଲ କୋ अपग्रेड भी करना ही पड़ेगा। इसलिए बात जब स्किल की होती है तो आपका मंत्र होना चाहिए स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग। आप जिस किसी भी क्षेत्र में है उसमें क्या कुछ नया हो रहा है इस पर जरूर नजर रखें। जैसे अगर किसी ने ऑटोमोबाइल का सामान्य कोर्स किया है तो उसे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से खुद को रीस्किल करना होगा। ऐसे ही हर क्षेत्र में चीजें तेजी से बदल रही है, इसलिए आप अपनी स्किल को बदलते समय के हिसाब से अपग्रेड करते रहें, इनोवेट करते रहें। निकटरे भारतर अध्यक्षतारे अनुष्ठित G20 अंतरराष्ट्रीय बैठकरे समस्त देश सर्वसम्मति क्रमे स्किल डेवलपमेंट आवश्यकतार गुरुत्व को ग्रहण करिछंती एवं विश्व दक्षता व्यवधान ह्रास करिबाकु प्रतिबद्धता जणाइछंती। एही सोपानरे देशर लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदींकर सशक्त भारत, समृद्ध भारत स्वप्नकु साकार करिबा पई दक्षता विकासकु उपयुक्त मार्ग बोली विवेचना करंती केन्द्र शिक्षा, दक्षता विकास ओ उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान। तांक तत्त्वावधानरे दक्षता विकास मंत्रणालय विश्वस्तरीय आधुनिक एवं नूतन दक्षता परिपाटी सहित सुसज्जित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर NSTI प्लस र भव्य कैंपस तैयारी पाई करुछि भूमि पूजन। NSTI प्लस प्रस्तावित 7.81 एकर जमी उपरे निर्मित एक जातीय स्तर र आधुनिक इंटीग्रेटेड दक्षता विकास कैंपस हेबो, जेउठारे आधुनिक दिनर उच्चमानर दक्षता शिक्षा दिया जीव। डीजीटीर अधीन निर्मित होवाकु थिबा एही उच्चाभिलाषी NSTI प्लस कैंपस दक्षता विकास एवं उद्यमिता मंत्रणालय लक्ष्य हासिल पई गुरुत्वपूर्ण अग्रणी भूमिका ग्रहण करिव एवं ओडिशा तथा पूर्व भारतर दक्षता आवश्यकता को पूरा करिव। एही अनुष्ठान रे आधुनिक एवं डिजिटल टेक्नोलॉजी माध्यम रे मूल्यांकन करिबा पई मूल्यांकनकारी को मध्य तालीम दिया जीव। NSTI प्लस रे दीर्घकालीन CITS तालीम अधीन रे प्राय 500 प्रशिक्षकंकु तालीम देबा पई एक लक्ष्य धार्य करा जायछि। अपस्किल एवं रीस्किलिंग पई अन्य 500 प्रशिक्षक एथिरे अंतर्भुक्त हेबे। एहा व्यतीत एही अनुष्ठान NSTI विद्यालय शिक्षक माननको पई दक्षता विकास केन्द्रर भूमिका ग्रहण करिवो। इंजीनियर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, कार्यनिर्वाही एवं विभिन्न कर्मशाला रे कार्य करथुबा लोकंक पई आधुनिक तालीम सुविधा मध्य उपलब्ध हेबो, जहाद्वारा सेमाने शिल्पर चाहिदा अनुजाई दक्ष होई पारिबे। एही कैंपस रे ITI छात्र मानंक पई आधुनिक पाठ्यक्रम रे तालीम पई मध्य व्यवस्था रहिबो। एही अनुष्ठान छात्र मानंकु निसबोर्ड, इग्नो एवं NIOS साहाज्य रे आगोकु बढ़िबाकु साहाज्य करिवो। विभागीय मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान नेतृत्व रे दक्षता विकास एवं उद्यमिता मंत्रणालय अंतर्जातीय बजार रो चाहिदा अनुजाई स्किल इकोसिस्टम को क्रमागत भावे मजबूत करुछि। मंत्रणालय फेसबुक रो पैरेंट कंपनी मेटा, IBM, डैसल्ट, कोकाकोला भली अंतर्जातीय कंपनी गुडीकर सहयोग रे युवक मानंकु शिल्प 4.0 नूतन युगर प्रजुक्ति विद्या एवं डिजिटल साक्षरता क्षेत्र में क्रमगत भाव दक्ष करुछि। एही समस्त पदक्षेप माध्यम रे देशर एही अमृत पीढ़ी स्किल इंडिया मिशन सहित निजक जोड़ी एक उन्नत तथा विकसित भारत सृष्टि करिवो बोली आशा रखंती शिक्षा, दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान। कुशल भारत, कौशल भारत।